और भाई साहब कार में घूम रहे हैं, आए तो खाया हमारी प्लेट चम्मच और बॉल लेके भाग गया। सोचो। हेलो एवरीवन, सभी का स्वागत है। मैं हूँ ज्योति आले, आपकी दोस्त, फिर से हाजिर हूँ नए ब्लॉग के साथ में। तो दोस्तों, आजकल मेरा बहुत ही लेट होता है सारा कुछ ना, तो हो गया है 11:30 और मैं अब जा रही हूँ ब्रेकफास्ट करने। मतलब दिन छोटे हो गए, काम है कि ख़त्म ही नहीं होता है, और ऊपर से मेरे पैरों की हालत, तो जो काम पहले फटाफट होते थे, अब वो धीरे धीरे होते हैं, बट चल रही है गाड़ी। तो मैं अब करने लगी थी नाश्ता, तो नाश्ते में है क्या, मटर आलू की सब्जी और पराठे। तो दोस्तों, मैं करती हूँ फटाफट नाश्ता, फिर मिलती हूँ आप लोगों को जल्दी। मुझे करण नहा धो के अब अपना नाश्ता कर रहा है। मौसम का हाल बताएं दोस्तों, तो बहुत धुंध सी छाई हुई है, धूप तेज नहीं है। अब मैं भी जल्दी जल्दी करती हूँ फ्रेंड्स, इसके बाद निकलती हूँ जॉगिंग। इससे पहले देखिए खूबसूरत सा फूल, वाओ, इसके साइज़ देखिए कितने बड़े बड़े हैं, अमेजिंग, बहुत ही खूबसूरत। ये रहा मेरा कटिंग वाला डब्बा जिसमें मैं कटिंग लगाती थी, तो मेरे घर की जितनी कटिंग थी मैंने सारी निकाल दी है। मैंने खुद जो लगाई थी अपने यहाँ से, जो प्रोपोगेट की थी, वो घर भेज दे रही हूँ। और ये देखिए मेरा बैंगन, मैंने उस दिन दो बैंगन तोड़ भी लिए हैं और अभी और लग रहे हैं, इसमें फ्लावरिंग पे है। और ये वाले हिबिस्कस जो मेरे भाई ने दिए थे वो वाले हैं, तो ज़्यादा तो नहीं लगे, बस दो चार ही लगे हैं, बाकी तो मैंने इसको खाली कर दिया है। अब थोड़े दिनों में इनको भी खाली कर दूँगी और यहाँ लगा दूँगी पालक। मैं हमेशा इसमें पालक या धनिया ही लगाती हूँ। और हाँ दोस्तों, एक बात तो बताना भूल ही गई, मेरे पास में कल रात एक वीडियो आई है, शॉर्ट क्लिपिंग है वीडियो की, और बड़ी इंटरेस्टिंग है। और वो इंटरेस्टिंग क्यों है बताती हूँ आप लोगों को, सो बने रहे मेरे साथ। ये वीडियो मुझे जोया दी ने भेजी है और ये इनके गार्डन की है। बताइए ये किसका फूल है, गैस? जी हाँ दोस्तों, ये है आलू के फूल। देखिए कितने खूबसूरत, मैंने तो कभी देखे ही नहीं थे आलू के फूल इस तरह के होते हैं, जबकि मैं भी लगाती हूँ आलू, मेरे लेकिन कभी मेरे यहाँ नहीं खिले ऐसे फूल। ये उनके गार्डन में खिले हैं, उन्होंने आलू लगाया होगा ना, पूरा उनके यहाँ का है, बहुत अच्छा मेंटेन किया रखा है उन्होंने गार्डन। देखिए इतना खूबसूरत फूल, मैं पहली बार देखी, मैं तो चौंक गई। शायद आप लोगों ने भी देखा होगा या ना भी देखा हो, तो मेरा मन किया आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो कितने अच्छे प्यारे लग रहे, क्यूट से, वाह। और कहते हैं जिस पेड़ में फूल निकलते हैं उसके नीचे आलू बहुत सारे होते हैं, मुझे तो बहुत सुंदर लग रहे हैं। ये देखो, तो पहली बार देखी यार, किस किस ने पहले भी देखे हैं जरूर प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैंने तो कभी नहीं देखे थे। क्या लगा रखा है इन्होंने, गार्डन बहुत प्यारा बना रखा है इन्होंने, देखो बहुत। ये नेपाली राई साग है, ये भी कितनी सारी लगा रखी है इन्होंने, मिर्च, ये भी राई साग, वाह। गुलदाउदी देखिए कितनी जबरदस्त ब्लूमिंग में है, बहुत खूबसूरत यार, गुच्छों में लगे हुए हैं यार, बहुत प्यारे खूबसूरत। उनसे मांगी है मैंने कटिंग। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, यदि पसंद आई तो लाइक जरूर करें, कमेंट करके मुझे बताएं आप लोगों को कैसा लगा आलू का। ये वाली कुर्सी है, 1 साल की गारंटी तो बोला है फ्रेंड्स। कुर्सियाँ मंगाई थी, ऑर्डर दिया था, आज आ गई है, चलो देखते हैं। 1 ईयर की गारंटी बोली गई है, देखेंगे क्या हो रहा है इधर से। नहीं लेके आया मैंने कुछ भी, नॉय हिंदी नहीं समझ में आती तुझे आजकल, चाय पी लो। इनको तो भर के चाय चाहिए रहता है। एक गिलास भर के लो, पूरा भर के पी लोगे वाला चाय। हाँ जी सर,
कितना? 100 रुपीस हुआ सर। हाफ वेज फ्राइड राइस। यहाँ पे हम पहले भी आए हैं जी सर, इनका जो पहले वहाँ पर रेस्टोरेंट था पुराना वाला रेस्टोरेंट, तो इस रेस्टोरेंट में आके मतलब यहाँ पे भी बहुत अच्छा लगा, और इसका जो खाना है कि ऐसा लगा कि बिल्कुल स्पाइसी नहीं है, इतना अच्छा मतलब टेस्ट है और हेल्दी। सूप पी के लगा कि घर पे जैसे सूप बनाते हैं ना जी सर, वेजिटेबल्स डाल के बिल्कुल वैसे ही सूप बन लगा। थैंक यू सो मच सर, विजिट अगेन लगा है। और खाने से ऐसा लग नहीं रहा कि होटल पे खाने पे ऐसा लगता है ना कई बार अरे ज्यादा हो गया, सोसाइटी कैसा है, बहुत स्पाइसी हो गया, बहुत मसालेदार हो गया, तो वो नहीं है, बहुत ही अच्छा मतलब घर के जैसा वाला फीलिंग, हेल्दी, बिल्कुल हेल्दी। बिल्कुल एक भी मोमेंट ये नहीं लगा कि नहीं हम ये सूप जो बहुत हेल्दी सूप पी रहे हैं और ये हेल्दी चाउमीन खा रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू सो मच सर फॉर फीडबैक। मैम आप कुछ बोलेंगी? नहीं, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, ये घर जैसा है ना, और सबसे अच्छी बात कि इसमें बिल्कुल भी मसाले कम मसाले का बिल्कुल है ना, बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। सो गाइस, मैं पहुंच चुकी हूँ घर। कुल मिला के आज अच्छा रहा बिजनेस, बट लास्ट मोमेंट में एक पंगा हो गया। एक कस्टमर आया कार में, हाफ वेज फ्राइड राइस का ऑर्डर किया, और भाई साहब कार में घूम रहे हैं तो खाया हमारी प्लेट, चम्मच और बॉल लेके भाग गया। सोचो, दिन दहाड़े गुंडागर्दी है, ऐसे भी लोग होते हैं। अरे हमने सोचेंगे चावल तो खाए खाए हमने खिला दिया, भिखारी को खिला दिया, हमारा 50 रुपये का चावल खा के कितने दिन उसका चलेगा। लेकिन सोचो प्लेट और चम्मच भी लेती चला गया और कार में घूम रहे हैं, क्या जमाना आ गया। सोचिए उससे अच्छे तो हम हैं, हाँ, किसी गरीब का पेट काटोगे आप तो सुखी रहोगे। दोस्तों यदि मेरी बात से सहमत है तो इस बात को पूरा चारों तरफ फैलाइए। मैंने नंबर नोट करके रखा है, वो सोच रहा होगा कि मैंने बहुत बड़ा काम किया, 50 रुपये का मेरा खा के मेरी प्लेट लेके भाग गया, बहुत बड़ा वो तीर मार लिया है। इस बात को बहुत ज़्यादा सब चारों तरफ फैलाइए, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। दिन दहाड़े चोरी, बताइए क्या जमाना है, सारा मूड ख़राब हो गया मेरा। अरे मुझे अपने चावल के 50 रुपये की कोई वो टेंशन नहीं, लेकिन मेरी प्लेट चम्मच और मेरा वो बॉल लेके भी चला गया। और सबसे शर्म की बात है कि आप कार में घूम रहे हो, आपकी 50 रुपये की खाने की औकात नहीं है। सारा मूड ऑफ हो गया। चलिए दोस्तों, मैं हाथ मुँह धोती हूँ और फिर मिलती हूँ आप लोगों से। सच में बहुत मूड ख़राब हो गया मेरा, आज दिन भर से इतना अच्छा रहा मेरा सारा कुछ, और लास्ट मोमेंट पे ऐसा कुछ हो जाए तो कितना दिमाग ख़राब होता है। तो दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए ताकि और लोग भी सचेत हो जाएं कि ऐसे लोगों से, चोर लोगों से बच के रहें। तो दोस्तों अब मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊँगी शायद, क्योंकि मेरा बुरी तरह से मूड ऑफ हो चुका है। तो मैं इस वीडियो का करती हूँ अंत यहीं, और यदि आज का ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, और न्यू व्यूवर्स प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि समय पे आप लोगों को वीडियो मिले। कल मिलूँगी नए ब्लॉग के साथ, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय एंड गुड नाइट।